वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे वेज ओट्स चीला, तो चलिए बनाते हैं। एक कटोरी ओट्स लिया हुआ है, सिर्फ 2 सेकंड इसे रोस्ट कीजिए और फिर इसे हमें ब्लेंड करना है। पाउडर बना दीजिए इस तरह का। ब्लेंड करने के बाद इसमें दही डालना है, सॉल्ट ऐड कीजिए, भुना जीरा और ब्लैक पेपर पाउडर, और ज़रूरत के मुताबिक इसमें पानी ऐड कीजिए और इसको मिक्स कर दीजिए। अब इसमें हमें हल्दी, रेड चिल्ली पाउडर और 1 स्पून बेसन मिक्स करना है और इसे 15 मिनट रेस्ट दीजिए। फिर सारे वेजिटेबल कट करके रेडी कीजिए। कैरेट को ग्रेट करना है, टोमेटो, ऑनियन और कैप्सिकम कट कीजिए और 2 ग्रीन चिल्ली को कट करना है और इसमें मिक्स कीजिए। अब हमारा बैटर रेडी है, अब हम चीला बनाएंगे। अब हमें इसे डोसा के तवे में चीला रेडी करेंगे। आप चाहे तो ऑयल, बटर या घी कुछ भी ले सकते हो। इस तरह से बैटर डाल के चीला रेडी कीजिए। वेज ओट्स चीला हमारे रेडी हो रहे हैं। दोनों साइड गोल्डन ब्राउन कीजिए और इस तरह से इसे रोस्ट कीजिए और चटनी के साथ सर्व कीजिए। ओट्स हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं और हमने काफ़ी मात्रा में इसमें वेजिटेबल ऐड किए हुए हैं। इंस्टेंट चटनी बनाने के लिए दही लीजिए, उसमें रेड चिली पाउडर और सॉल्ट डालिए, मिक्स कीजिए, चटनी रेडी। टेस्टी गर्मा गर्म ओट्स वेजिटेबल चीला हमारे रेडी है। सर्व कीजिए ग्रीन चटनी, सॉस या दही की चटनी के साथ।